हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको मेरा यूट्यूब चैनल एवरीथिंग श्याम में आपका स्वागत है। ये बीएड का इंट्रांस जो क्वेश्चन हुआ है 2019 में, जो 25 जनवरी को इंट्रांस हुआ है, उसका क्वेश्चन ये देख लीजिए। 25 जनवरी 2019 का एग्ज़ाम हुआ था और ये 2021 के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और ये सबसे पहले हैं, ये लिखा हुआ है जो बीएड सेकेंड ईयर का क्वेश्चन है, फाइनल ईयर का जो बीएड का इंट्रांस होता है, एग्ज़ाम जो होता है, 2 साल का जो कोर्स बीएड कर दिया है 2014-15 से, तो उसी का है ये। और ये है 7B पेपर है और इसमें हम बारी बारी से देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन, कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है जो 2021 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये 2019 का हो गया, 3 घंटा का समय देता है, 40 मार्क का क्वेश्चन है और पास मार्क इसमें 18 है, ये सब तो ये जानते ही होंगे। चलिए हम टाइम बर्बाद नहीं करते हुए हम देखते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देखिए इसमें लिखा जो है, जो कह रहा है सभी प्रश्नों के मान बराबर है, प्रत्येक इकाई से कम एक एक प्रश्न चुनकर कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो 5 प्रश्न का हमको जवाब देना है और ये यूनिट वाई कर दिया है, ठीक है। तो पहला यूनिट में हम देखते हैं, पहला यूनिट जो है उससे क्वेश्चन कौन कौन सा पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले कह रहा है जो भूगोल क्या है, भूगोल विषय का अन्य सामाजिक विज्ञान विषयों के साथ अंतर संबंधों की व्याख्या करो, ठीक है दोस्तों। तो ये सोशल साइंस का क्वेश्चन है, जो बीएड में जिसका सोशल साइंस होगा उसके लिए है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया, ये पहला क्वेश्चन हो गया। इसमें देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, भूगोल को जानना और सीखना किस प्रकार से सहज और बोझ रहित हो सकता है, चर्चा करें, ठीक है दोस्तों। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन का आप हम बाद में क्या करेंगे, इसको हम सोल्यूशन भी देंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, जो भूगोल के रचनावादी परिप्रेक्ष्य की चर्चा करें, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। ये फर्स्ट यूनिट से 3 क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है दोस्तों। और सेकंड यूनिट में आप देखते हैं, सेकंड यूनिट में कौन कौन सा क्वेश्चन दिया है। तो सेकंड यूनिट का पहला क्वेश्चन है, जो चौथा क्वेश्चन हो गया, भूगोल शिक्षण के मुख्य उद्देश्यों का वर्णन करने, भूगोल जो शिक्षण होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या क्या होता है उसका वर्णन करने के लिए कह रहा है, ठीक है दोस्तों। ये चौथा क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये 5वां क्वेश्चन कह रहा है, भूगोल शिक्षण में वर्ग कक्ष संप्रेषण के आवश्यक तत्व एवं कौशलों का वर्णन करें, ठीक है दोस्तों। तो ये 5वां क्वेश्चन को हो गया। इसमें जितना भी क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, जो एग्ज़ाम होने वाला है 1 साल गैप करके अगर हम क्वेश्चन को देखें तो वही क्वेश्चन इसमें से रिपीट करता है, ठीक है दोस्तों, जो एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 क्वेश्चन हम देख लिया, अब 6ठा क्वेश्चन देख रहे हैं। कह रहा है, कक्षा 9 और 10th के भूगोल में किस प्रकरण पर एक पाठ योजना का निर्माण, पाठ योजना जो हमने बहुत सारा पाठ योजना इसमें अपलोड की है, आप लोग पाठ योजना बनाए होंगे, तो उसके बारे में कह रहा है किस तरह से कह रहा है जो प्रकरण का एक पाठ योजना बनाने के लिए, तो पाठ योजना बना देना है, ठीक है दोस्तों, कोई भी। अगला क्वेश्चन कह रहा है 7वां नंबर, देखिए 7वां नंबर हो गया यूनिट, तीसरा यूनिट हो गया, ठीक है दोस्तों। और इससे क्वेश्चन पूछा है 7वां नंबर में, कह रहा है, भूगोल शिक्षक अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में समस्या समाधान विधि, कौन सा विधि है, समस्या और समाधान विधि का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं उस पर चर्चा करने के लिए, ठीक है। तो समस्या जो समाधान विधि है उसका चर्चा करने के लिए बोल रहा है भूगोल में, ठीक है दोस्तों। ये 7वां क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है। 8वां क्वेश्चन कह रहा है, भूगोल शिक्षण की समूह अधिगम के महत्व की चर्चा करें, ठीक है। क्या कह रहा है, भूगोल शिक्षण की समूह अधिगम के महत्व की चर्चा करो, ये 8वां क्वेश्चन पूछ गया है, ठीक है दोस्तों। ये तीसरा यूनिट से था, अब चौथा यूनिट से देखते हैं, ठीक है दोस्तों। चौथा यूनिट में कह रहा है 9वां नंबर क्वेश्चन, भूगोल विषय में आकलन की बदलती प्रवृत्तियों का वर्णन करें, ठीक है। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, कह रहा है भूगोल जो सब्जेक्ट होता है, विषय जो होता है, उसमें आकलन की बदलती प्रवृत्तियाँ जो हो रहा है, जो भूगोल एक प्रकार से साइंस है, उसमें जो बदलती प्रक्रिया हो रहा है उसकी प्रवृत्तियों का वर्णन करने के लिए कह रहा है, ठीक है। ये 9वां क्वेश्चन हो गया। और 10वां क्वेश्चन कह रहा है, जो भूगोल विषय में अधिगम इकाइयों को दूर करने हेतु उपचारात्मक शिक्षण की
रणनीति का वर्णन करें, ठीक है। ये कह रहा है जो भूगोल जो सब्जेक्ट होता है उसमें अधिगम में जो कठिनाई होती है उसको दूर करने हेतु उपचारात्मक शिक्षण क्या होना चाहिए, उसकी रणनीति का वर्णन कर लें। तो ये अभी आप देखे हैं जो 4 गो यूनिट है और 10 क्वेश्चन है, इसमें से आपको 5 क्वेश्चन का जवाब देना, ठीक है दोस्तों। और ये सेकेंड ईयर का क्वेश्चन है, आप जानते ही होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका हम PDF दे देंगे आप डाउनलोड करके, और इस जो एग्ज़ाम होगा उसमें बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है दोस्तों। देखते हैं, ये 7B हो गया क्वेश्चन, और आप देखते हैं हम 8वां, ठीक है दोस्तों। ये देखिए 28 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ है, 2018 को 17-19 सेशन है, और ये सेकेंड ईयर का क्वेश्चन है। और देखिए नॉलेज ऑफ करिकुलम जो सब्जेक्ट का नाम है 8वां ये है, ठीक है दोस्तों। इसमें हम देखते हैं पहला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें है जो ये जो है 8 नंबर क्वेश्चन, ये भी 3 घंटा का है। वो जो था 40 मार्क का था, और ये 80 मार्क का, और 20 मार्क का इसमें प्रैक्टिकल हो जाता है, उसमें 10 मार्क का, ठीक है दोस्तों। इसमें है 36 मार्क पर पास है। और पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें से भी क्या करना है तो सभी प्रश्नों के मान बराबर है, और प्रत्येक इकाई से कम एक प्रश्न का उत्तर चयन करने हेतु 5 प्रश्न का जवाब देने के लिए कर रहा है, ठीक है। तो इसमें जो पहला यूनिट है, यूनिट प्रथम है, उसमें जो पहला क्वेश्चन है वो हम देखते हैं क्या पूछा गया, ठीक है दोस्तों। तो इसमें कह रहा है ज्ञान क्या है, ठीक है, ज्ञान जो होता है यो क्या है, इसके बारे में पूछ रहा है। विद्यालय में ज्ञान के निर्धारकों की विवेचना करने के लिए कह रहा है, विद्यालय में जो ज्ञान के निर्धारण होता है उसका विवेचना का वर्णन करने के लिए आपको कह रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन पहला हो गया, पहला यूनिट से अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है जानने की प्रक्रियाओं का वर्णन करें, आप जो जानते हैं नॉलेज जो आपके पास है उसका वर्णन करने के लिए कह रहा है, ठीक है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ नोइंग, ठीक है, आप जो जानते हैं उसका प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए कह रहा है। ये पहला यूनिट का हो गया। दूसरा यूनिट का हम क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा यूनिट जो हो गया इसमें का पहला क्वेश्चन है शिक्षा के व्यक्तिगत एवं सामाजिक प्रयोजनों की व्याख्या करें, शिक्षा जो होता है उसके व्यक्तिगत और सामाजिक प्रयोजन क्या होता है उसका वर्णन करने के लिए कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा यूनिट से दूसरा क्वेश्चन है, यानी चौथा क्वेश्चन हो गया, भारत में शिक्षा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए, संविधान में जो प्रावधान है भारत में शिक्षा के बारे में जो है उसका व्याख्या करने के लिए कह रहा है, ठीक है दोस्तों। ये तीसरा यूनिट हो गया, तीसरा यूनिट से अब कौन कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 5वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है श्री अरविंद के शैक्षणिक आदर्शों की विवेचना करें, श्री अरविंद के शैक्षिक आदर्शों के कौन से पहलू आज की शिक्षा के लिए प्रासंगिक है, ठीक है। तो ये जो है अरविंद के शैक्षणिक जो आप पढ़ेंगे उसमें जो बुक में भी दिया है, गाइड में दिया है, वो बहुत सारा जो महान महान आदमी है उसके जीवनी के बारे में दे, उसको अगर पढ़ लेंगे तो ये क्वेश्चन एक ही ना। तो ये जो है 2018 में जो 19 में पूछा गया है, ठीक है दोस्तों, और ये इम्पोर्टेंट है 21 के लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और बता देना चाहते, ये जो लिखा है कोई भी जिसका क्वेश्चन है, ये 18 लिखा है, 18 नहीं, ये 19 होगा, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये 25/1/2019 है और सेकेंड ईयर का क्वेश्चन है, ये 18 जो लिखा गया है ये गलत लिखा गया, ठीक है दोस्तों। 5वां क्वेश्चन तक हम देख लेते हैं, आप 6ठा क्वेश्चन देखेंगे, 6ठा क्वेश्चन क्या पूछा है, 6ठा क्वेश्चन कह रहा है महात्मा गांधी का शैक्षणिक विचार आदर्शवाद, शैक्षणिक जो विचार है उसमें आदर्शवाद और प्रयोजनवाद का मिश्रण था, विवेचना करने के लिए कह रहा है, ठीक है। गांधी जी जो हमारे राष्ट्रपिता है उसका जो शैक्षणिक विचार है उसमें आदर्शवाद और प्रयोजनवाद है, उसका जो मिश्रण है उसका कह रहा है विवेचना करने के लिए, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है यूनिट 4 से 7वां क्वेश्चन कह रहा है पाठचर्या को परिभाषित करें और पाठचर्या एवं पाठ्यक्रम में अंतर स्पष्ट करें, ठीक है। पाठचर्या जो होता है वो अलग चीज़ होता है और पाठ्यक्रम अलग चीज़ होता है, दोनों में अंतर कह रहा है बताने के लिए, ठीक है। और पाठचर्या का कह रहा है परिभाषा देने के लिए, ठीक है। ये 7वां क्वेश्चन हो गया। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, चौथा यूनिट से कह रहा है भारतीय शिक्षा के संदर्भ में कोर पाठ्यचर्या, कोर जो पाठ्यचर्या होता है उसकी महत्ता की व्याख्या करने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो इसका कह रहा है तो इसको लिख देना है, ठीक है दोस्तों। ये अगला क्वेश्चन कह रहा है यूनिट 5वां से देखेंगे, 9वां क्वेश्चन कह रहा है पाठचर्या निर्माण की प्रक्रियाओं का वर्णन, पाठचर्या हम अभी भी देखे थे जो पूछा गया है, और ये भी है पाठचर्या निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए, किस तरह से पाठचर्या होता है उसका निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए कह रहा है। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं, 10वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए, 2 पर, पहला जो है शिक्षण एवं प्रशिक्षण में अंतर, ये पहला हो गया, इस पर टिप्पणी लिखने के लिए कह रहा है, ठीक है दोस्तों।
और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा है जो टिप्पणी लिखना है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 जो है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो NCF है, NCF जो है 2005 है, उसके बारे में कह रहा है लिखने के लिए, ठीक है। सी नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुप्त पाठ्यचर्या, हिडन जो करिकुलम होता है, गुप्त जो पाठ्यचर्या होता है, उसके बारे में कह रहा है लिखने के लिए। और डी नंबर जो है पाठ्यचर्या मूल्यांकन के बारे में कह रहा है लिखने के लिए, ठीक है दोस्तों, टिप्पणी लिखने के लिए कह रहा है। तो इस तरह से हमने अभी देखे हैं सातवां, 7B और 7-8 पेपर का जो क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, और PDF आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे जो अगले वीडियो में हम